हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बहुत टाइम बाद मैं एक SRM के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो है SRM JEE एग्जाम के बारे में, जो कि SRM का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप SRM के किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो आपके किसी भी डिग्री या कोर्स के लिए हो, तो आपको SRM JEE एग्जाम देना होता है, जिसके थ्रू आप SRM में एडमिशन ले सकते हो किसी भी कैंपस में। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। वैसे मैं तो ऑब्वियसली कहूंगा कि अगर आप SRM के बारे में सोच रहे हो, तो SRM KTR जो मेन कैंपस है उसी के बारे में सोच। तो गाइज, हर साल SRM का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो होता है तीन फेजेस में। SRM JEE का जो एग्जाम होता है, फेज 1, 2 और 3। मैं आपको कहूंगा कि अगर आप SRM के बारे में सोच रहे हो, तो अभी से सोच लो और SRM फेज 1 और फेज 2 SRM JEE के एग्जाम में क्लियर कर देना। क्योंकि अगर SRM इस एग्जाम के लिए अगर आप फेज 3 तक रुकोगे, तो शायद आपको प्रॉपर जो आपकी मनचाहे कोर्स की सीट है, वो अच्छी रैंक पे भी ना मिले। मैंने इस वीडियो में हर चीज बताई है, SRM के जो भी मोड्स हैं, जो भी एग्जाम क्राइटेरियाज हैं, जो कि आपका सिलेबस है, कब होने हैं, कब नहीं होगा, जो भी चीजें मैंने डिटेल्स में आपको बतानी थी, मैं आपको सब बता रहा हूं। के प्लेसमेंट्स और चीजों के बारे में भी आगे इस वीडियो में बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब नहीं करा तो करते रहो। ऐसे कॉलेज रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपने बनाता रहता हूं, तो अगर आप SRM में या किसी और कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, तो मेरे को कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड आपके वीडियो जरूर बनाऊंगा। गाइस, SRM JEE का जो एग्जाम है, उसका फेज 1 और फेज 2 की जो डेट है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स खुले हुए हैं। नीचे लिंक मैंने दे रखी है, जाके टैप करके आप जाके अपना एडमिशन प्रोसेस का पूरा भी फॉर्म भर सकते हो। और SRM JEE की जो भी फेज 1 और फेज 2 की डेट्स है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये बेसिकली टेंटेटिव डेट्स है। इनका जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे और फॉर्म फीस वगैरह सब भर दोगे, तो आपके आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपके सामने आ रहा है। सिलेबस बेसिक सिलेबस होता है क्लास 12th और क्लास 11th से रिलेटेड का। सो वो आप देख सकते हो, ये मैं आपको पूरी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स चाहिए, वो भी मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करना। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे टैप करना और आपका काम हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं SRM का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको एग्जाम देना है, तो आपको 10+2 से PCM या फिर किसी से भी साइंस के थ्रू, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपको PCM या PCMB के थ्रू, किसी भी साइंस साइड के थ्रू आप इसको दे सकते हो। आपको थोड़ा SRM और उसके ब्रांचेस के बारे में बता दो, तो टोटल 6 to 8 SRM की ब्रांचेस हमें मिल जाती हैं, जिसमें सिर्फ 4 ब्रांचेस जो है वो हमको तमिलनाडु जैसी स्टेट में मिल जाती है। 5वीं ब्रांच आपको मिल जाएगी सोनीपत हरियाणा में, जो पांचवी ब्रांच है। 6th ब्रांच इज इन भोपाल एंड 7th ब्रांच इज इन आंध्र प्रदेश। और एक जो ब्रांच है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी बनी नहीं है, वो जल्दी बन जाएगी। कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, आपको पता चल जाएगा, अभी वो ओपन नहीं है। तो अभी के लिए टोटल 7 ब्रांचेस हैं। और जो मेन ब्रांच है, जो सबसे पहले जब भी कॉलेज खुला था, तभी खुला था SRM कट्टन कोलाथुर चेन्नई, बेसिकली जहाँ पे मैं रहता हूँ और जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ और जहाँ पे मेन कैंपस है SRM का, वही उसी में सब आप लोग सोचेगा जाने के लिए। किसी और कैंपस में जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स और एडवांटेजेस आपको करियर के वहीं से मिलने वाले, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो गाइस, रैंकिंग सिस्टम का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 11th 12th के बेसिक्स आते हैं, और ये पूरा प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है ऑनलाइन। आपको आप ज्यादा चीटिंग वीटिंग नहीं कर सकते इसमें, अगर आप सोच रहे हो चीटिंग करने की। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, बट आई वोंट से कि अगर आप चीटिंग करो ये सब, ऐसे मैं आपको नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली। और रैंक का थोड़ा ध्यान रखना, अगर फेज 1 दोगे, अगर उसमें अच्छी रैंक नहीं आई, तो फेज 2 में और अच्छी रैंक ले सकते हो, फेज 1 में अपनी सीट होल्ड करवा के। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं, आप अपनी सीट होल्ड करवा सकते हो, ताकि अगर आपको बेटर रैंक में आपको बेटर ब्रांच मिल रही है, तो आप कर सकते हो। बेसिकली अगर आप फेज 1 के हिसाब से रैंकिंग देखो, तो अगर आपकी रैंक 7000 के अंदर आती है, तो आपको CSE मिल जाएगा विद एनी स्पेशलाइजेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट। और अगर फेज 2 अगर आप सोच रहे हो, तो फेज 2 में 5000 के अंदर आपको CSE मिल जानी चाहिए। और यही फेज 3 में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आपकी 2000 या 1000 या 1500 भी रैंक आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई स्कॉलरशिप का क्या सीन है। तो स्कॉलरशिप टॉप 500 के स्टूडेंट्स जो SRM JEE से आए हैं, उनको मिलती है। टॉप 500 बेस मेनली होता है, वैसे तो उन्होंने बता रखा है कि हम 1000 बच्चों को देते हैं, लेकिन टॉप 500 को मिलती है। और खासकर अगर आप 1 to 100 के मेरिट लिस्ट में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब मैंने आपको ब्रांच कट ऑफ के बारे में बता दिया, मैंने आपको ब्रांचेस के बारे में बता दिया, मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दिया। एग्जाम आसान होता है क्रैक करना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप SRM का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब मैं आपको इसके प्लेसमेंट्स और इसके
अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसके अचीवमेंट्स और प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट्स लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 के जो प्लेसमेंट्स निकले थे वो हाईएस्ट था 1.2 CR का अमेजोन का, और मेरे को अभी इसी के बारे में ज़्यादा पता है, और इसके बाद मैं आपको फॉल्स नॉलेज देना नहीं चाहता, तो मैं आपको इसके अलावा भी और नहीं बता पाऊंगा। तो अगर आपको प्लेसमेंट्स वगैरह चेक करना है, नेट पे नेट के थ्रू चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं SRM की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मुझे जो लास्ट याद है वो है 2021 में आपका जो प्लेसमेंट लगा था 1.2 CR आई गेस लगा था, 2022 में भी 1 CR के आसपास गया है। सो और एवरेज पैकेजेस की बात करें तो आपको CSE में एवरेज पैकेज मिल जाता है 6 to 7 lakhs का, डिपेंड्स ऑन योर CGPA, आपकी CGPA कैसी रहती है, आपने क्या प्रोजेक्ट्स करा है वो डिपेंड करता है आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है सो उस पर डिपेंड करता है। मिनिमम आपको 3 to 4 lakhs का मिलेगा, एवरेज इट्स अराउंड 6 to 7 lakhs और हाईएस्ट इज 1 CR जो कि गया है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि आपको पैकेज कम मिलेगा या मीडियम पैकेज का, एवरेज पैकेज मीडियम पैकेज थोड़ा कम है इस वजह से आपको दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको उस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप हो पाओगे। और भी मैं SRM की वीडियोस मैंने बहुत सारी बना रखी है, मेरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो, ऊपर आई बटन पे आ रही होगी, वरना मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाना SRM ब्लॉग्स, और आपको SRM रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने जितने भी बनाई हैं। ऐसी SRM की और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो अगर आप SRM के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखना, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।